वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल होम्योपैथी एंड एंडस समृद्धि शर्मा इज हेयर टू गाइड यू एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ स्टूअर क्लोज फिलोसॉफी दैट इज स्कोप ऑफ होम्योपैथी ओके अब यहाँ पर हमें देखना है कि होम्योपैथी का स्कोप क्या है तो हमें ये पता होना चाहिए कि होम्योपैथी का सिद्धांत क्या है वॉट इज द लॉ ऑफ होम्योपैथी लॉ ऑफ होम्योपैथी सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंट द लॉ इज सिमिलिया ओके जब हमें लॉ का पता चल गया कि सिमिलियर लॉ है तो हमें ये पता करना है बस कि ये लॉ कहाँ कहाँ अप्लाई हो सकता है ठीक है ये लॉ कहाँ कहाँ अप्लाई होगा तो वो हो गया उसका स्कोप ओके okay, तो सिंपली स्कोप ऑफ होम्योपैथी मीन्स द लॉ ऑफ सिमिलिया वेयर एवर इट इज़ अप्लाइड इज द फील्ड ऑफ स्कोप ऑफ होम्योपैथी ओके okay. तो इससे हमें एक बात क्लियर हो गई कि जहाँ पर हम सिमिलिया को अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं वो उसकी हो गई लिमिटेशन इट्स वेरी सिंपल। जहाँ पर हम अप्लाई नहीं कर पा रहे जिस स्टेज पर हम अप्लाई नहीं कर पा रहे लॉ ऑफ सिमिलिया दैट इज़ द बाउंड्री लाइन दैट डिफाइंस द स्कोप एंड द लिमिटेशन ऑफ होम्योपैथी ओके सो ऑल द इंटरेस्टिंग थिंग्स अबाउट द स्कोप ऑफ होम्योपैथी आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू इन दिस वीडियो सो लेट स्टार्ट द वीडियो सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमें स्कोप जानना है होम्योपैथी का तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि वॉट इज द प्रिंसिपल ऑफ होम्योपैथी दैट इज गोइंग टू बी ऑपरेटिड दैट इट इज गोइंग टू बी ऑपरेटिव इन ऑल द फील्ड सो टू नो इस स्कोप फर्स्ट वी हैव टू क्लियरली डिफाइन आइडिया फील्ड इन विच प्रिंसिपल ऑफ सिमिलिया इज ऑपरेटिव अगर हमें स्कोप पता करना है तो हमें यह पता होना चाहिए कि सिमिलिया को हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं ओके होम्योपैथी एज थेरेपेटिक मैथड इज कंसर्न प्राइमरली ओनली विद मॉबिड वाइटल प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम विच आर परसैप्टिवली रीप्रजेंटड बाई सिम्टम्स रिस्पेक्टिव ऑफ विच कॉज दैम होम्योपैथी वो थैरापेटिक सिस्टम है जहाँ पर हम क्या करते हैं हमको मतलब सिर्फ जो है वो वाइटल प्रोसेस से है ओके okay. हमें इससे मतलब नहीं है कि उस वाइटल प्रोसेस को डिरेंज किसने किया डिरेंज हो गया और जो साइन सिम्टम्स बॉडी में शो हो रहे हैं हमें सिर्फ उनसे मतलब है ठीक है सो वी आर Here, discussing about the primary symptoms. Primary symptoms that are created due to the lack of functions or loss of functions. We are not here bothering about secondary symptoms that are the pathological changes. The pathological changes that are created after the primary symptoms, these are the सेकेंडरी सिम्टम्स ओके टू डिफाइन स्कोप फर्स्ट नेसरी टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन डिजीज पर से एज अ मोबिड वाइटल प्रोसेस और सेकेंड इज अ मटीरियल रिजल्ट और प्रोडक्ट इन विच मॉबिड प्रोसेस अल्टीमेट्स अगर हमें स्कोप जानना है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जो दो चीज़ें हैं उनमें डिफरेंशिएट कर सकें पहला तो है डिजीज पर से एज अ मॉबिड वाइटल प्रोसेस यानी कि डिजीज है क्या डिजीज है वाइटल प्रोसेस जो है वो डी हो गया वाइटल प्रोसेस जो है वो अब बीमार हो गया ठीक है मटीरियल रिजल्ट और प्रोडक्ट इन विच मॉबिट प्रोसेस अल्टीमेट्स। मतलब उसके बाद जो मॉबिड प्रोसेस की एंडिंग थी वो है उसका रिजल्ट यानी कि हमें इन दो चीज़ों में डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि डिजीज़ जो है वो वाइटल प्रोसेस के डायनामिक डरेंजमेंट की वजह से आई है और जो भी हमें अब लास्ट में देखने को मिल रहा है वो उसका प्रोडक्ट है सपोज वी आर डिस्कसिंग अबाउट अ ट्यूमर ओके सो ट्यूमर इज़ रिजल्टिंग फ्रॉम द डरेंजमेंट ऑफ द वाइटल फोर्स ओके सो ट्यूमर इज द लास्ट स्टेज और द अल्टीमेट दैट वी सी ऑन द पेशेंट सो वी हैव टू डिफरेंशिएट बिट्वीन द टूमर एंड द डायनेमिक डरेंजमेंट सो लॉ ऑफ सिमिल इज क्लियरली डिफाइंड टू अर्स दैट द सिमिलीयर इज नॉट एप्लीकेबल ऑन द टयूमर इट इज एप्लीकेबल ऑन द डायनेमिक डरेंजमेंट ऑफ द वाइटल फोर्स ओके सो दिस इज वी हैव टू डिफरेंशिएट बिट्वीन दीज टू थिंग्स अगर हमें स्कोप को डिफाइन करना है तो ये ज़रूरी है हम इन दो चीज़ों को पहले डिफ्रेंशिएट कर सकें कि वाइटल फोर्स ड्रेंज होता है उसके बाद हमें उसका जो है वो प्रोडक्ट देखने को मिलता है वो लास्ट में देखने को मिलता है ठीक है नाउ हे आर द टू सिम्टम्स प्राइमरी फंक्शनल सिम्टम जो मॉबिट प्रोसेस को डिफाइन करता है और सेकेंडरी सिम्टम जो पैथोलॉजिकल एंड को और प्रोडक्ट ऑफ डिजीज़ को डिफाइन करता है ठीक है दो तरीके के सिम्टम यहां पे डिस्कस किए जा रहे हैं आपसे प्राइमरी फंक्शनल सिम्टम ओके okay, एंड सेकेंडरी सिम्टम प्राइमरी फंक्शनल सिम्टम जो है वो मॉबिट प्रोसेस को डिफाइन कर रहे हैं कि ये प्रोसेस हुआ है उसके बाद ये बीमारी हुई है तो प्राइमरी तो वो हो गया कि प्रोसेस जो हुआ और बीमारी जो क्रिएट हो गई वो सेकेंडरी हो गया कि जो पैथोलॉजिकल स्टेट को डिफाइन कर रहा है वो सेकेंडरी सिम्टम है ठीक है अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको क्या ठीक करना है सिमिलिया क्या ठीक करेगा सिमिलिया ठीक करता है प्राइमरी और फंक्शनल सिम्टम को जो मॉबिड प्रोसेस को डिफाइन करता है अगर किसी के टूथ में कैविटी हुई है दांत में किसी के कैविटी हुई है तो जो मॉडर्न सिस्टम है वो क्या करता है उस कैविटी को हटाता है ठीक है लेकिन वो उस चीज को ठीक नहीं करता जो प्रोसेस उस कैविटी को बना रहा है इन होम्योपैथी वी ट्रीट द प्रोसेस दैट इज क्रिएटिंग द कैविटी वी डू नॉट ट्रीट द कैविटी इट्स सेल्फ बिकॉज वी आर फोकसिंग ऑन द प्राइमरी सिम्टम और द फंक्शनल सिम्टम वी आर नॉट फोकसिंग ऑन द सेकेंडरी सिम्टम दैट्स वाई अल्टरनेटिव मेडिसंस जब ठीक करती हैं कैविटी को निकाल दिया तो दूसरे दांत में वापस से कैिटी हो जाती है क्योंकि उन्होंने उस प्रोसेस को ठीक नहीं किया बॉडी के अंदर जो प्रोसेस चल रहा है उस कैविटी को क्रिएट करने का उसको ठीक नहीं किया उन्होंने डायरेक्ट उस कैिटी को निकाल दिया बट इन होम्योपैथी वी ट्रीट द मॉबिड प्रोसेस दैट इज गोइंग टू रिजल्ट इन द कैटी ओके हम उस प्रोसेस को ठीक कर रहे हैं जो उस कैिटी को क्रिएट कर रहा है दैट्स वाई द क्योर इज पॉसिबल इन होम्योपैथी नॉट इन द अदर सिस्टम ओके फंक्शन रिवील्स कंडीशन ऑफ एन ऑर्गन जो फंक्शन है वो ही ऑर्गन की कंडीशन को रिवील करता है द टेंजिबल थिंग्स विच द एग्जामिनिंग फिजिशियन फाइंड इन द बॉडी आर नॉट डिजीज बट मेयरली इट्स अफेक्ट टेंजिबल का मतलब होता है जो आपको दिख रही हैं जो चीज़ें आपको दिख रही हैं जो फिजिशियन को भी दिखती हैं जिनको हम साइन कहते हैं वो डिजीज़ नहीं है वो सिर्फ उस डिजीज का इफेक्ट है जो आपको बॉडी पे दिख रहा है ठीक है दैट्स वाई आई हैव डिस्कस द कैविटी एंड द ट्यूमर विद यू यू मस्ट नो वॉट कंस्टिट्यूट टोटैलिटी ऑफ डिजीज़ आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए सिमिलिया कहाँ क्या है कहाँ अप्लाई होता है प्राइमरी जो सिम्टम है उस पर सिमिलिया अप्लाई होता है और दूसरी चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि टोटैलिटी ऑफ डिज़ीज़ कैसे बनती है टोटैलिटी कैसे बनती है कि वाइटल फोर्स डरेंच होता है उसके बाद आपको जो साइन सिम्टम्स देखने को मिलते हैं उनके एड से उनके सबमिशन से डिजीज़ बनती है ठीक है सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वॉट कंस्टिट्यूट द टोटैलिट टोटैलिटी इज़ आउटवर्डली रिफ्लेक्टेड पिक्चर ऑफ इंटरनल असेंस ऑफ डिजीज़ मतलब अंदर कुछ बीमारी चल रही है वो आपको बाहर दिख रही है ठीक है अदर सिस्टम ऑफ द मेडिसिन क्या करते हैं वो बाहर की बीमारी को ठीक कर देते हैं अंदर का उनको कुछ लेना देना नहीं है बट होम्योपैथी हैज टू डील विद ओनली द इंटरनल एसेंस सो यहां पर आपको ये पता होना चाहिए आपको स्कोप नहीं लिखना है कि ये ये स्कोप है आपको लिखना है कि स्कोप कैसे पता चलेगा आपको सिमिलिया को जानना है सिमिलिया एक्ट कहाँ पे करता है उसको जानना है फिर जब आप सिमिलिया को जान गए तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि सिमिलिया को मैं यहाँ यहाँ अप्लाई कर सकता हूँ या कर सकती हूँ तो वो जहाँ जहाँ आप अप्लाई कर सकते हो वो उसके स्कोप हो गए और जहाँ अप्लाई नहीं कर सकते वो उसके लिमिटेशन हो गए यहाँ आपको ये नहीं लिखना है कि ये ये स्कोप हैं और वन टू थ्री फोर करके पॉइंट्स लिखने हैं फिलोसॉफी मीन्स सोच तो स्टूअर्ट क्लोज की जो सोच थी वो पूरी इसमें मैं आपको बता रही हूँ इस वीडियो में ठीक है डायनेमिक कॉजेज आर इनटेंजिबल मैंने अभी ऊपर बताया कि टेंजिबल जो भी चीज़ें आपको दिख रही हैं बॉडी पे वो आपको लेना देना नहीं है उनसे डायनेमिक कॉजेज होंगे वो इनटेंजिबल होंगे वो आपको दिखेंगे नहीं मेंटल अंदर ही अंदर दिमाग में सोचता रहा इंसान और उसने बीमारी कर ली साइकिकल एटमोसफियरिक थर्मिक डाइटिक हाइजीनिक कंटेजियस इंफैक्शियस एंड स्पेसिफिक दीज आर द डायनमिक कॉजे बैक्टीरियल एजेंट और पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच प्रोड्यूस देयर इफेक्ट थ्रू स्पेसिफिक टॉक्सिन और एल्कलॉइडस जो भी बैक्टीरियल एजेंट हैं और जो भी पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो अपने इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करते हैं टॉक्संस के द्वारा और उनके जो स्पेसिफ़िक एल्कोलॉइड्स होते हैं उनके द्वारा वो जो है अपना इफ़ेक्ट शो करते हैं सो so अगर हम उन टॉक्सिन्स को ही जो भी वो रिलीज़ कर रहे हैं उनको स्टरलाइज कर देंगे ठीक है तो हम उनसे डील कर लेंगे तो हमें सिमिलिया को अप्लाई करना आना चाहिए कि हमें सिमिलिया को अप्लाई कहाँ पे करना है क्योंकि ये बेसिलाइज जो है वो नॉर्मल एनवायरनमेंट में फ़्लो करते रहते हैं ठीक है बट एक इंसान को वो अफेक्ट कर जाते हैं दूसरे इंसान को अफेक्ट नहीं करते वो इसीलिए क्योंकि जिसके वाइटल फोर्स वीक होता है वो उसको पहले वाइटल फोर्स डायनेमिकली डरेंज्ड होता है उसके बाद ही उस पर अटैक करते हैं ठीक है तो अब हमें पता चल गया कि इसमें स्कोप ऑफ होम्योपैथी अकॉर्डिंग टू तो स्टूअर्ट क्लोज फिलोसॉफी अगर हम लिख रहे हैं तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें ये लिखनी है कि एक लॉ है सिमिलिया उसको आप जहाँ जहाँ यूज़ कर सकते हो वहाँ वहाँ वो स्कोप बना देगी फील होम्योपैथी फील्ड के लिए और जहाँ पे आप उसको यूज़ नहीं कर पा रहे वो वहाँ पे लिमिटेशन क्रिएट कर देगी जैसे कि हम देखते हैं पलिएशन और सप्रेशन ठीक है कि अगर किसी के पास एक किडनी है तो हम उसको एक किडनी तक ही ठीक कर सकते हैं उसको हम दो किडनी तक का फंक्शन नहीं प्रोवाइड करा सकते सो देयर मैनी लिमिटेशंस ऑफ होम्योपैथी लाइक इन इमरजेंसी कंडीशंस जहाँ पे हमारे पास वाइटल फोर्स के एक्शन करवाने के लिए टाइम नहीं है तो वहाँ पे जो है एंटीपैथी को यूज़ करने का एडवाइस दिया गया है मॉडर्न सिस्टम को यूज़ करने का एडवाइस दिया गया है तो ये हमको पता होना चाहिए कि लॉ ऑफ सिमिलिया को हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि ये लॉ ऑफ सिमिलिया किस चीज़ पे एक्ट करता है प्राइमरी सिम्टम्स मॉबिड प्रोसेस जो होते हैं बॉडी के उनको ठीक करता है लॉ ऑफ सिमिलिया जहाँ जहाँ फंक्शन में कोऑर्डिनेशन नहीं है और उस कोऑर्डिनेशन ना होने की वजह से जो साइन सिम्टम्स क्रिएट हो रहे हैं उस कोऑर्डिनेशन को ठीक करता है लॉ ऑफ सिमिलिया ठीक है अगर कोऑर्डिनेशन ठीक हो जाएगा तो अपने आप साइन सिम्टम्स थे जो गायब हो जाएंगे सो so, यहाँ पर हमको वो नहीं लिखने हैं वन टू थ्री फोर पॉइंट करके कि ये ये स्कोप हो गए फिलोसॉफी मीन्स सोच ठीक है तो यहाँ पर लॉ ऑफ सिमिलिया जो है टोटेलिटी ऑफ सिम्टम्स जो हैं वो आपको टोटेलिटी ऑफ डिजीज़ जो है वो आपको पता होना चाहिए अगर आपको अच्छे से ये पता होगा प्राइमरी सिम्टम्स क्या हैं सेकेंडरी सिम्टम्स क्या हैं लॉ ऑफ सिमिलिया जो है वो मॉबिट प्रोसेस पे एक्ट करता है तो आप अपने आप उसको अप्लाई कर लोगे वो जहाँ पर भी अप्लाई हो सकता है फिर वो फील्ड जो है स्कोप ऑफ होम्योपैथी बन गई ओके आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा कि इस टॉपिक में क्या चीज़ है जो आपको समझनी थी इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस वीडियो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड If you like it, like it and subscribe to our channel. Thanks for watching. No.